हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग इज अर्शप्रीत एंड स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द होमवर्क क्वेश्चन विच आई गेव इन दी प्रीवियस वीडियो देखिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके पास ये फ्रिंज विड्थ की वैल्यू दे रखी है दैट इज लैमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी जिसमें कैपिटल डी क्या था डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम स्क्रीन एंड द स्मॉल डी वॉज द डिस्टेंस बिटवीन 2 slits. So, which monochromatic light source out of red or violet color will form more number of fringes on the same dimension of screen? सपोज ये बोर्ड क्या है स्क्रीन है एंड इसके ऊपर आपको फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व करना है वहां से कुछ सोर्सेज आ रहे हैं मेरे पास दो कोहर सोर्सेज ऑफ लाइट आ रहे हैं जो इस स्क्रीन के ऊपर कुछ फ्रिंज पैटर्न बना रहे हैं जिसकी वैल्यू विड्थ की मुझे दी गई है बीटा इज इक्वल्स टू लैमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आई होप आप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इट वॉज़ वेरी इजी सामने ही आंसर पड़ा हुआ था इसका देखिए अब हमने स्टडी किया था अबाउट विबग्योर एंड अकॉर्डिंग टू विबग्योर वी नो दैट r stands for red light has lambda maximum that is wavelength maximum and frequency minimum and for the case of violet light we know that frequency is maximum and lambda that is the path is minimum right lambda basically kya hota hai wavelength तो देखिए इस फॉर्मूला में डायरेक्ट डिपेंडेंस आ रही है हमारे ऊपर लैमडा से दैट इज कि जिसका जितना ज्यादा लैमडा उतना ज्यादा बीटा एंड बीटा ज्यादा मतलब ज्यादा विड्थ की बनी है तो अब देखिए रेड लाइट के केस में सपोज अगर ये मेरे पास स्क्रीन है तो इस टोटल स्क्रीन पर अगर मैं विड्थ मान लूं इतनी है एक फ्रिंज की तो लाइक दिस 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 एंड सो बस इतनी फ्रिजेस बन सकती हैं अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू आई है रेड में इतनी बट अगर मैं बात करूँ वॉलेट लाइट की उसके केस में मेरे पास लैमडा डिक्रीज होगा मतलब विथ भी डिक्रीज हो रही है फ्रिज विथ की तो वॉयलेट लाइट के केस में हमारे पास बहुत सारी फ्रिजेस बन जाएंगी एज कंपेरिटिव टू रेड लाइट सो इसका आंसर क्या था हमारे पास की विच मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आउट ऑफ रेड और वॉयलेट कलर विल हैव मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस द आंसर इज वॉयलेट कलर बिकॉज यू विल से दैट इन केस ऑफ वॉयलेट कलर वैली ऑफ लेमडा इज़ लेस एज कम्पेयरडेड टू द वैली ऑफ रेड लाइट लेमडा सो देयर फोर भीटा विल भी लेस इन द केस ऑफ वॉयलेट लाइट एंड हैंस विल भी गेटिंग मोर फ्रिंजेज ऑन द स्क्रीन सो मूविंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज द डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट देखिए आज का टॉपिक हमारा जो मेन है वो है डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट जब हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था अबाउट इंटरफेरेंस तो हमने सबसे पहले देखा था कि हाइजीन्स नाम का एक साइंटिस्ट था उसने हमें सिर्फ थेरेटिकल अप्रोच दी थी ऑफ इंटरफेरेंस एंड उसके बाद उसका स्टूडेंट था दैट वॉज यंग्स हु गेव द एक्सपेरिमेंट राइट हमने पढ़ा था अबाउट द एक्सपेरिमेंट सो केस ऑफ इंटरफेरेंस हमारे पास पहले थ्योरी आई उसके बाद आया एक्सपेरिमेंट बट डायफ्रिक्शन के केस में क्या हुआ डायफ्रिक्शन डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व कर रहे थे हम यानी कि साइंटिस्ट उस टाइम के ऑब्जर्व कर रहे थे डायफ्रिक्शन को बट वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि दिस फिनिना इज़ डायफ्रिक्शन बिकॉज उस टाइम पर डायफ्रिक्शन के रिलेटेड कोई भी थ्यूरी प्रेजेंट नहीं थी डायफ्रिक्शन के, के केस में क्या हुआ कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे बट उस केस में थ्यूरी कोई प्रेजेंट नहीं थी रिलेटेड टू डायफ्रिक्शन सो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज यूजअली क्या होता है किसी चीज की भी थ्यूरी पहले आती है फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड देन थ्यूरी को कन्फर्म किया जाता है राइट right? बट हमारे पास डायफ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं था क्यों नहीं था बिकॉज उस टाइम पर आइंस्टाइन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे दैट इज न्यूटन्स थ्यूरीज चल रही थी उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे न्यूटन थ्योरीज चल रही थी बट वो सारी थ्योरीज किस पे बेस्ड थी रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड थी उस टाइम पर वेव ऑप्टिक्स को कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता था उस टाइम पर वेव ऑप्टिक्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था सारे रे ऑप्टिक्स को मानते थे बिकॉज हमने पढ़ा कि वेव ऑप्टिक्स में लाइट की कैसी नेचर होती है एज अ वेव तो सारे साइंटिस्ट हंसते थे इस बात पर कि लाइट की वेव नेचर कैसे हो सकती है एंड जो ये डायफ्रिक्शन का फिनोमिना था ये कैसे प्रूफ हो सकता था सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से सो so इसी लिए कोई भी थ्योरी नहीं आई थी अप्रॉक्सीमेटली फॉर 100 टू 150 फिफ्टी ईयर्स दिस डायफ्रिक्शन वॉज नॉट एक्सेप्टेड ये डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट एक्सेप्ट ही नहीं की गई उसके बाद इसका एक्सेप्ट होना स्टार्ट हुआ डायफ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है थ्रू अ मीडियम एंड उसके रस्ते में कोई बाधा आ जाती है या बोल लीजिए कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है दिस इज ऑब्स्टेकल तो वो लाइट क्या करती है बेसिकली वो वेव क्या करती है वो कर देती है बेंडिंग इट शोज बेंडिंग टूवर्ड्स दी ऑब्स्टेकल एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज डायफ्रिक्शन एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज डायफ्रिक्शन बेसिकली डायफ्रिक्शन इज शोन बाई ऑल टाइप ऑफ वेव्स आप ले लीजिए साउंड वेव्स लाइट वेवस मेटर वेव्स हर टाइप की वेव इफेक्ट शो करती है डायफ्रिक्शन का राइट बट हमें डे टू डे लाइफ में लाइट की डायफ्रिक्शन नहीं दिखती बट साउंड की डायफ्रिक्शन इज ऑब्जर्वेबल ऐसा क्यों देखिए अब मैं यहां पर बोल रही हूं मेरे साथ जो एडजस्टेंट रूम में जो भी बैठा होगा उसको मेरी आवाज ऑडिबल होगी क्यों बिकॉज साउंड वेव्स आर गेटिंग डिफ्रेक्टेड मेरी आवाज डाइफ्रेक्ट हो रही है साउंड वेव्स आर गेटिंग डायफ्रेक्टेड एंड जो साउंड वेव्स होती हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है साउंड वेव्स हैव ग्रेटर वेवलेंथ। साउंड वेव्स हैव ग्रेटर वेवलेंथ। अब देखिए, हम मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डायफ्रिक्शन डायफ्रिक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज द वेवलेंथ और द ऑर्डर ऑफ अ वेव ऑर्डर ऑफ द वेव शुड मैच obstacle. इसका क्या मतलब है देखिए अब हमारे आसपास जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। दैट इज रूम्स के दरवाजे ले लीजिए वॉल्स ले लीजिए वो कितनी बड़े बड़े हैं तो अगर उनका ऑर्डर यानी कि उनकी लेंथ ब्रेथ उनका ऑर्डर मैच करता है टू द ऑर्डर ऑफ वेव जिसको आप बोलेंगे वेवलेंथ वेवलेंथ का ऑर्डर तो हमें डायफ्रिक्शन ऑब्जर्व होगी नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हमें डायफ्रिक्शन भी Observe नहीं होगी तो साउंडशन क्यों हो रही है Because आप आसपास देख सकते हैं हैं कितने बड़े-बड़े एंड वेवलेंथ बड़ी है, greater है तो इसके केस में हम देखते हैं कि डायफ्रिक्शन इज ऑब्जर्वेबल ड्यू टू डायफ्रिक्शन ओनली माई साउंड इज गोइंग टू दैट रूम ये बेसिकली क्या है डायफ्रिक्शन ही है बट अगर हम बात करें डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट तो ये हमारे पास विजिबल नहीं है डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन डे टू डे लाइफ राइट बिकॉज इसके केस में जो लेमडा है वो स्मॉल होता है एंड जो हमारे पास आसपास अपर्चर हैं या फिर आप बोल लीजिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सराउंडिंग्स वो क्या हैं ग्रेटर ऑर्डर के हैं दे आर ऑफ ग्रेटर ऑर्डर सो ड्यू टू दिस हम देख नहीं सकते हैं डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट ये किस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप खुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट को तो आप ले लीजिए एक रेजर ब्लेड रेजर ब्लेड में क्या होगा इट इज लाइक दिस सपोज ऐसा कुछ है एग्जैक्ट तो नहीं बना रही हूं मैं समझ लीजिए ऐसा कुछ है इसका पर्चर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल होता है इसमें आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना स्मॉल है तो थ्रू दिस रेजर ब्लेड वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ लाइट जब आप इसमें लाइट फॉल होती देखेंगे तो एक्जैक्टली exactly अगर मैं इसको स्क्रीन पे रखूंगी डायग्राम बनाते हैं इसका सपोज मेरे पास यहां पे क्या पड़ा है रेजर ब्लेड अब इसकी अगर आपको परछाई देखनी है पीछे आपको कैसे दिखेगी एग्जैक्टली अराउंड इट्स सराउंडिंग्स आपको ये पार्ट क्या दिखेगा ब्लर्ड Blurred दिखेगा ब्लर्डनेस का मतलब क्या है यहां पर डायफ्रिक्शन हो रही है लाइट की एंड ड्यू टू दैट डायफ्रिक्शन यहाँ पर फ्रिंजेस बन रही हैं जैसे कि इंटरफेरेंस के केस में बनती थी ना फ्रिंजेस वैसे ही फ्रिंज बनती हैं इन केस ऑफ डायफ्रिक्शन मतलब यहां पर भी कुछ इस टाइप की फ्रिजेस बन रही होंगी जिसकी वजह से हमें जो आसपास का एरिया है वो क्या दिख रहा है ब्लर्ड दिख रहा है सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट अगर हम बात करें किसी भी ऑब्स्टेकल की लाइक दिस एंड यहां पर है कोई स्क्रीन तो अगर तो डेफिक्शन ना हो रही होती तो क्या होता हमें इस ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती इतने एरिया में एंड वो इमेज होती शार्प अगर डेफ्रिक्शन ना हो रही होती तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती हमें स्क्रीन पर एंड दैट इमेज वुड बी शार्प बट अगर डेफ्रिक्शन हो रही है तो क्या होगा यहां से जो लाइट रेज है वो बेंड हो जाएंगी इतनी ज्यादा बेंड नहीं होगी लाइक दिस इतने एरिया में आपको इमेज शार्प दिखेगी एंड ये जो एरिया रह जाएगा यहां पर आपको क्या दिखेगी एक ब्लर्डनेस दिखेगी एंड उस ब्लर्ड रीजन में बेसिकली क्या है हमारे पास डायफ्रिक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं डायफ्रिक्शन पैटर्न बेसिकली क्या फॉर्म हो रही है प्रिंजेस मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी वाली सो so, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना कि कहाँ इंटरफेरेंस हो रही है एंड कहाँ डायफ्रिक्शन हो रही है तो उस टाइम के एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट दैट इज रिचर्ड फेमन विच वॉज अ नोबल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स इन नाइनटीन ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन डायफ्रिक्शन एंड इंटरफेयरेंस आई इल राइड ऑन दैट स्टेटमेंट फॉर यू सर दिस इज़ अ बेसिकली स्टेटमेंट गिवेन बाई रिचिड फेमन देखिए क्या स्टेटमेंट दी थी उसने नो वन हैज़ एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रिक्शन सेटिस्फैक्ट्रीली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ यूज एज एंड देर इज नो स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिफरेंस बिटवीन दैम उसका कहने का मतलब क्या था कि आज तक कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाया है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रिक्शन इनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं होता उसके बाद उसने आगे क्या बोला द बेस्ट वी कैन डू इज हम ज्यादा अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं हम रफली स्पीकिंग इज टू से दैट वेन एवर देर आर फ्यू सोर्सेज से टू इंटरफेयरिंग सोर्सेज मतलब जब हमारे पास रफली स्पीकिंग टू सोर्सेज हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं देन द रिजल्ट इज यूजली इंटरफेयरेंस तो उस टाइम पे हमारे पास उनकी इंटरफेरेंस से जो रिजल्ट आ रहा है उनकी जो सोर्सेज हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं उनसे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है इंटरफेरेंस मिल रहा है बट फॉर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज डायफ्रिक्शन इज़ यूज ऑफनली मतलब अगर सोर्सेज ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे कि डायफ्रिक्शन अक्कर हो रही है एंड अगर सोर्सेज कम हैं तो हम बोलेंगे कि वो इंटरफेरेंस अकर कर रहे हैं दिस वॉज अ वेरी ले लैंग्वेज गिवन बाई हिम कोई एक्यूरेट डिफरेंस नहीं बता पाया था बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रिक्शन बट हम ए नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस वर्सेस डायफ्रिक्शन हम इनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे कि फ्रिजेस में क्या फ़र्क आ रहा है देखिए अब हम कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि आज हमने डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी टेलीविजन करेंगे तो हम क्यों कर रहे हैं हमें उनके एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए तभी हमें उनमें इंटरेस्ट आता है सो मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रिक्शन सो वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रिक्शन देखिए डायफ्रिक्शन ऑफ एक्सरेज ऑफ एक्स रेज इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ़ सॉलिड्स मतलब अगर हमें किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो अगर उसमें डायफ्रिक्शन ऑफ़ एक्स रेज आकर हो अगर हम एक्स रेज को डायफ्रिक्ट करवाएं उस सॉलिड के थ्रू तो हमें पता चल सकता है अबाउट दैट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मतलब अगर हमें सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट हीटिंग पॉइंट सुपर कंडक्टिविटी उसमें है या नहीं है इन सारी टर्म्स के बारे में पता चल जाएगा उसके स्ट्रक्चर पता चलने से राइट सेकेंड एप्लीकेशन क्या रहती है डायफ्रेक्शन ऑफ गामा रेज इज यूज टू स्टडी दी न्यूक्लिया न्यूक्लिया का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आगे उसमें हम मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी कि न्यूक्लिया क्या होता है बेसिकली डायफ्रेक्शन ऑफ गामा रेज से हम स्टडी कर सकते हैं न्यूक्लिया के बारे में अब देखिए इसकी एप्लीकेशन भी हैं और भी बहुत एप्लीकेशन होंगी मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं सिर्फ दो एप्लीकेशन अब इसका एक अनवॉन्टेड इफेक्ट भी रहता है डायफ्रिक्शन का वो क्या है दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट एज इट एंटर्स द एपर्चर ऑफ अ टेलीस्कोप हमने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था टेलीस्कोप बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकेंड वॉज आई पीस तो जब लाइट एंटर करती है लेंस के थ्रू इन द टेलीस्कोप तो अगर डायफ्रिक्शन हो रही है लाइट की तो मतलब बेंडिंग हो रही है लाइट की तो लाइट स्प्रेड हो जाएगी तो उसके केस में ये टेलीस्कोप की रिजोल्व करने की पावर रिजोल्व करने की अबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी बेसिकली ये क्या होता है कि किसी भी दोनों इमेज़ को आप डिफरेंट तरीके से देख सकें मतलब उनमें कुछ डिस्टेंस देख सकें अगर एक इमेज बन रही है एंड दूसरी इमेज बन रही है तो आप इनको इनके बीच में कुछ डिस्टेंस देख सके तो हम बोलें कि रेजोल्यूशन पावर अच्छी है बट अगर डायफ्रिक्शन हो रही है तो इनके बीच में आपको डिस्टेंस नहीं दिखेगा आपको ये क्या दिखेंगे पास पास ये बेसिकली क्या है यहाँ पे तो मैंने ये इमेजेस बनाई है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व द स्टार्स तो आपको क्या दिखेंगे ये दोनों स्टार्स की जो इमेजेस हैं वो ओवरलैप होती हुई दिखेंगी अगर डायफ्रिक्शन ऑफ लाइट है तो उसके लिए हम बहुत सारी और चीज़ें करते हैं टू इम्प्रूव इट एंड रेजोल्यूशन के बारे में हम इन आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में वील बी स्टार्टिंग अबाउट सिंगल स्लिट डायफ्रिक्शन दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो डोंट मिस इट एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन टिल देन कीप रिवाइजिंग इन स्टे ट्यून विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज आई विज